काफी सारे लोग ये सवाल करते हैं कि हम नी रिप्लेसमेंट के बाद नमाज पढ़ पाएंगे, जमीन पे आलती पालती मार के बैठ पाएंगे या फिर इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। मेरा उन सबसे यही कहना है कि जब मरीज हमारे पास आता है तो वो ये सारी चीज़ वैसे ही अपनी प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाता, ना ही वो अपने ज़मीन पे बैठ पाता है, ना ही वो नमाज़ पढ़ पाता है और ना ही वो इंडियन टॉयलेट का इस्तेमाल कर पाता है। एक्चुअल में ये सारी चीज़ें आफ्टर द एज ऑफ 50 इन नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स या नॉर्मल पर्सन में भी अवॉइड करनी चाहिए। इससे लिगामेंट्स पे और आर्टिकुलो कार्टिलेज पे काफ़ी ज़ोर पड़ता है और वो जल्दी डैमेज हो जाते हैं। तो जो मरीज़ मेरे पास नी रिप्लेसमेंट के लिए आ रहा है और वो ये सवाल करता है, तो उन लोगों को मेरा यही कहना है कि नी रिप्लेसमेंट इज़ अ सर्जरी जिससे हम मरीज का पेन ख़त्म करते हैं और उसको नॉर्मल चलने फिरने के लिए वापस से तैयार करते हैं या फ्री करते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, नमाज पढ़ना, ज़मीन पे बैठना, इंडियन टॉयलेट यूज़ करना, वो घुटना या इम्प्लांट मेरा मना नहीं कर रहा है, वो बैठ जाएगा, वो आप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट उसकी लाइफ, उसकी एक लाइफ है, उस पे स्ट्रेसेस जो पड़ेंगे, जो एक नॉर्मल लिगामेंट पे और नॉर्मल नी पे पड़ते हैं, वो उस पे भी पड़ेंगे और जो चीज़ हमारी 20 साल चलनी है वो हमारी 10 साल में खराब हो जाएगी। नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी जब हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल है जो हम ऑपरेशन से पहले चाहते हैं पेशेंट को और जो ऑपरेशन के बाद हम क्या करवाना चाहते हैं पेशेंट से। सो ऑपरेशन से पहले द डे वी डिसाइड कि वी आर गोइंग फॉर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, हमें अपना वेट रिडक्शन प्रोग्राम शुरू कर देना चाहिए और नी की कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमें शुरू कर देनी चाहिए जिससे पोस्ट ऑपरेटिव रिहैबिलिटेशन में मरीज को फ़ायदा होगा। तो वो कॉर्डिसेप एक्सरसाइजेज हैं, हमारे यहाँ जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो आपको एक शेड्यूल देंगे और पूरा उस शेड्यूल को आप फॉलो करिए। पोस्ट ऑपरेटिवली जब हम थर्ड डे आपको वॉकिंग कराते हैं तो वो आप वॉकर के साथ वॉकिंग करना शुरू करते हैं विद द सपोर्ट ऑफ वॉकर और वो 1 महीने तक आपको लगभग लगभग वेरी करता है पेशेंट टू पेशेंट, 1 महीने तक आपको वॉकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। और एक टॉयलेट है वो जो कुर्सी वाला टॉयलेट होता है विद द हाइट ऑफ अराउंड 20 इंचेस, वो आपको यूज़ करना है। दीज आर द 2 थिंग्स जो आपको घर पे ज़रूरत पड़ेगी ऑपरेशन के बाद। और जो हमने प्री ऑपरेटिवली क्वाड्रिसेप एक्सरसाइजेस और फिजियोथेरेपी आपकी शुरू करी थी वो कंटिन्यू होगी ऑपरेशन के बाद भी। जितने दिन आप अस्पताल में हैं वो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट आपको कराता है, आपको असिस्ट करता है, और जब आप घर पे जाएंगे तो अगर आप फिजियोथेरेपिस्ट से सीख चुके हैं तो वो आप खुद भी कर सकते हैं। बट वी हैव अ फैसिलिटी, यू कैन पोस्ट योर वीडियोस ऑफ वॉकिंग, तो हम आपका गेट करेक्शन और हमारे फिजियोथेरेपिस्ट की एडवाइस बाय सीइंग योर वीडियोस विदाउट कमिंग टू द हॉस्पिटल हम आपको बाय व्हाट्सएप भेज सकते हैं। थैंक यू।